हम तो शौरा की रसोई, शौरा की रसोई में आप सभी का स्वागत स्वागत है। आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स, न्यू रेसिपी लेके आई हूँ नमकीन खास्ते शक्कर पारे का, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगते हैं। नमकीन बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट करते हैं, हमें जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसमें चाट मसाला और काला नमक ऐड करूंगी। चंकी चाट मसाला बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगता है, इससे शक्कर पारे के काला नमक ऐड कर दिए हैं, कर दिए चाट मसाला और नमक, काला नमक बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगेगा। तो चलिए मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ले लिए हैं आधा किलो मैदा, तो हम एक चम्मच डाल रहे हैं अजवाइन मंगरेला, मैं मिक्स करके रखती हूँ तो डाल देती हूँ। मैं ले ली हूँ एक चम्मच जीरा और मैं इसे थोड़ा सा कूट लूंगी दरदरा सा और डालूंगी इसमें। तो ये देखिए हम कूट के जीरा डाल दिए हैं एक चम्मच। मैं आधा चम्मच नमक यूज कर रही हूँ, आप कम ही रखें, फिर अलग से में भी नमक मिक्स करना है तो मैं तो थोड़ा कम ही नमक डाली हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। मैं ले ली हूँ आधा कटोरी तेल और मैं थोड़े थोड़े करके डालूंगी, इतना हमें डालना है। तो चलिए मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। हम आधा कटोरी मोयन डाल दिए हैं इसमें और मोयन हमें इतना डालना है कि आटे में गोल सा बॉल्स बन जाए। तो ये देखिए हमारा बन रहा है। तो अब चलिए अब डो लगा लेती हूँ, ज्यादा हमें नर्म डो नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट ही डो लगाना है। तो ये देखिए हम डो लगा लिए हैं, एकदम बढ़िया हमारा डो लग गया है। तो हम तोड़ लिए हैं छोटा सा एक लोई और मैं इसे गोल बना के रोटी बेलूंगी, एकदम रोटी जैसा ही हमें बेलना है। तो चलिए मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम बेल लिए हैं, देखिए रोटी बना लिए और मैं अब इसे कट करूंगी। तो ये देखिए हम ले लिए हैं चाकू और मैं इसे जो भी आप शेप देना चाहे आप दे सकते हैं, मैं तो चरखूट वाला शेप दूंगी। ये देखिए इस तरह से और फिर इस तरह से हम काटेंगे, देखिए इस तरह से हम कट कर दिए हैं। ये देखिए चरखूट वाला हमारा नमकीन बन गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम कढ़ाई रख लें गर्म होने के लिए, मेरा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल के तलूंगी। तो ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल दूंगी, ऐसे लग रहा होगा कि इकट्ठा सारा डालें तेल में, जाते ही सारे अलग अलग हो जाएंगे, ये देखिए होने लगा ना अलग। तो ये देखिए हम फ्राई कर रहे हैं इस तरह से। तो ये देखिए एक तरफ से हमारा लगभग फ्राई हो ही गया है, देखिए। तो ये देखिए हल्का ब्राउन कलर का हो गया है, मैं निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ सर्व करके। ये देखिए हम सेकेंड बैच भी डाल दिए हैं इसमें, देखिए हमारा सेकेंड बैच भी हो गया है, मैं सर्व करके दिखाती हूँ ये भी। तो ये देखिए हम सर्व करके आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया हमारा बना है चरखूट वाले, कुछ लंबे साइज में भी बनाऊंगी मैं नमकीन शक्कर पारे, एकदम खास्ता बना है। तो मैं इसमें डालूंगी चंकी चाट मसाला, जिससे हमारा नमकीन खास्ते शक्कर पारे चटपटा और टेस्टी लगे, इसलिए मैं थोड़ा कम नमक ऐड की हूँ। तो मैं लगभग आधा चम्मच चाट मसाला डालूंगी और मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी काला नमक, नमक इसीलिए हम कम डाले थे कि अलग से फिर, और मैं इसे अच्छे से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए हमारा नमकीन खास्ता शक्कर पारा बन के रेडी, आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेगा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।